आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी रूम में कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन सी वहाँ की सीक्रेट बातें हैं, वहाँ की क्या क्या एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं एक क्लियर बात करूँगी। और आपको डिलीवरी के पहले डिलीवरी रूम में आपको कितने देर के लिए रखा जाता है, और आफ्टर डिलीवरी आपको लेबर रूम में कितने देर के लिए रखा जाता है, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी, उन सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरा बेटा 1 ईयर का है और मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ, और इस चैनल पे मैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग दोनों को ही शेयर करती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। जब तक कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, उससे पहले के सारे आंसर्स, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है, तब आप हॉस्पिटल जाती हैं। तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट कर सकती हैं या फिर इंटरनल चेकअप करती हैं। उसके बाद आपको वो मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट कर देती हैं। आपको मैटरनिटी वार्ड में आपको कुछ टाइम के लिए होना होता है, क्योंकि उस टाइम के बीच जब आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको पेन आ रहा है कुछ कुछ टाइम पे, यानी कि हो सकता है 10-10 मिनट पे पेन आ रहा है या 5-5 मिनट पे आपको पेन आ रहा है। तो जब तक आपका सर्विक्स पूरी तरह से ओपन नहीं हो जाए, यानी कि 5-6 सेंटीमीटर भी ओपन हो जाता है, तब डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम में लेके जाती हैं। और जब बच्चा बाहर कब आता है, जब आपका सर्विक्स पूरे 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है, जिससे बच्चे का सर बाहर आने लायक हो जाता है और बाहर आने लगता है, वो होता है सर्विक्स पूरी तरह से ओपन। तो फिर आप डिलीवरी रूम में जाती हैं, वहाँ पे आपको ग्लूकोज आपको ड्रिप चढ़ते रहती है, ग्लूकोज में इंजेक्शन लगा के आपको दिया जाता है। उस टाइम में क्या होता है कि आपको डॉक्टर बताएंगी कि आपको कब पुश करना है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम करना है, आपको अपनी डॉक्टर को फॉलो करना है कि आपकी डॉक्टर आपसे क्या कह रही है, कब पुश करने के लिए कह रही है और कब नहीं करने के लिए कह रही है, वैसे आप फॉलो करें। फिर कुछ ही टाइम में क्या होता है कि बच्चा बाहर आ जाता है, तो जो वहाँ के डॉक्टर और जो स्टाफ्स होते हैं वो हाथों में अपने ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, जिससे बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। फिर क्या होता है कि बच्चा जब बाहर आ जाता है, तो उसे डॉक्टर कोशिश करते हैं, डॉक्टर ही हैंडल करते हैं, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द रोए। अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा है तो उसे थपथपा के रुलाया जाता है, या फिर अगर फिर भी नहीं रो रहा है तो आप ऐसा मान सकती हैं कि उस बच्चे के में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ ही टाइम में डॉक्टर दूर कर देंगे उस प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या किया जाता है कि जिस प्लेसेंटा में आप 9 मंथ्स तक अपने बेबी को रखी थी, वो प्लेसेंटा कनेक्टेड था एक कॉर्ड से, तो उस कॉर्ड को उसी टाइम सीजर से डॉक्टर कट कर देते हैं, जिससे माँ और बच्चा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से क्लीन वगैरह किया जाता है। उसके बाद आपको आपके यूट्रस में अब भी, यानी कि बच्चा होने के बाद भी, कुछ प्लेसेंटा के पार्ट्स बचे हुए होते हैं, जो डॉक्टर 2-3 मिनट में ही अपना क्लीन कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको जो जनरल वार्ड में आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रही पूरी प्रोसीजर, यानी कि आपके डिलीवरी रूम की। तो आपको कहीं से भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी डर लग रहा है, कोई वैसी क्वेरीज है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकती हैं। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, मैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। और इस पूरी वीडियो में मैंने जो भी प्रोसीजर बताए हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी के बताए हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी टिप्स दिए जाते हैं। मेरी खुद नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मेरा बेटा अप्रॉक्स 1 ईयर का अब होने वाला है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जरूर वेट कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को जरूर लाइक करें।